हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और आज इस वीडियो में हम इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। काफी सारे लोगों ने इसका जो फर्स्ट बैले ओपन हुआ था 28 फेब को, इसमें अप्लाई किया था और इवन तो वेबसाइट भी क्रैश हो गई थी, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है वो यूके ने अभी स्टार्ट कर लिया, जिसमें 18 to 30 ईयर्स के जितना भी यंग क्राउड है इंडिया का वो यूके आ सकता है बेस्ड ऑन 2 ईयर्स वर्क परमिट। तो उनको 2 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका सिलेक्शन होगा। तो काफी सारी लाखों एप्लीकेशन आई है, लेकिन उसमें से ये लोग सिर्फ 2400 एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। और ये जो 2400 एप्लीकेशन है ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम के ऊपर सिलेक्ट होने वाली है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये लकी ड्रॉ की तरह होता है। तो कितने सारे लाखों एप्लीकेशन होंगी, उसमें से 2400 एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो जनरल जो रिक्वायरमेंट है इनकी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपके पास एक इन्विटेशन आएगी, इन्विटेशन ईमेल आएगा और उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वीजा अप्लाई करना है। तो वीजा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। तो इस स्कीम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसमें सबसे पहले नंबर पे यही आता है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 18 to 30 इयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आपके पास एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि इनकी आरक्यूएफ जो लेवल होता है 6, 7, 8 उसके अबव होनी चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके अकाउंट में 2530 पाउंड होने चाहिए जो कि अराउंड 2.5 लाख के अराउंड होता है इंडियन रुपीज में। तो ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब कई सारे लोगों के हमारे पास डाउट्स आए हैं कि अगर वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें और जब वो वीजा लगवाएंगे तो क्या वो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये वीजा जो है वो अलाउ नहीं करता आपके डिपेंडेंट्स को यहाँ पे बुलाना। अगर आपके पास इनविटेशन आता है तो सिर्फ आप ही यहाँ पर आ सकते हो, आपको 2 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आ जाते हो वर्क परमिट के बेसिस पे, अगर आपको यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप बुला नहीं सकते हो। अब एक बार स्क्रीन पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकी जो लेवल है, आरक्यूएफ लेवल जो होता है, रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल, उसमें क्या क्या चीजें जो है, कौन कौन सी डिग्री इनकी इंक्लूडेड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा का जो एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है, यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है, और उसमें जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए या डिग्री की बात की जाए तो मिनिमम बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए या उसके ऊपर भी हो सकती है। अब रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इनका क्या कहता है, लेवल 6, 7 और 8 का होना चाहिए आपका। तो अगर लेवल 6, 7, 8 का हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री अप्रेंटिसशिप, डिग्री विद ऑनर्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, लेवल 6 अवार्ड। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बेसिकली लोगों के पास बीए, बीएससी या बीटेक ऐसी डिग्रीज होती है, तो वो यहाँ पे चल जाएंगी। उसके बाद अगर आपके पास मास्टर्स है, मास्टर्स इन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होती है, एमएससी होती है, एमए होती है, तो ये सारी डिग्री जो है यहाँ पे चल जाएंगी। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है तो ये सब यहाँ पे चल जाएगा। अब इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके अकाउंट में 2530 पाउंड जो है 2.5 लाख रुपए के अराउंड होने चाहिए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, जब भी आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हो तो आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो। बैंक स्टेटमेंट के अंदर विदिन जो अगर आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर लिया तो उसके अंदर बहुत ही बड़ा सम जो है कहीं से आपने लिया ना हो, मतलब कहीं से पैसे ना ट्रांसफर हुए पड़े हो, क्योंकि वो लोग फिर क्वेश्चन करते हैं कि भाई कहां से हुए हैं ये। तो बेसिकली अगर आपको 2530 पाउंड दिखाने हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके अकाउंट में वो होने चाहिए, ये नहीं कि एक दिन पहले कहीं से लेके आप उनको दिखा दो तो वो जरूर इस चीज पे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो आती है आपकी एजुकेशन पे। तो एजुकेशन का जो एक एविडेंस है वो आपको दिखाना पड़ेगा, या अगर आप डिग्री दिखा रहे हो तो आपको एक अपने कॉलेज से लेटर बनवाना पड़ेगा कि ये आपने ये पढ़ाई करी है यहाँ पे और ये आपका लेवल था। इसके बाद अनदर डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट। जब भी यहाँ पे कोई आता है एक्सेप्ट विजिटर वीजा पे, विजिटर वीजा 6 महीने नहीं होता, तो 6 महीने के लिए उनको टीबी सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होता। 6 महीने से ज्यादा जितने भी वीजा हैं जो कि लॉन्ग टर्म वीजा होते हैं, स्टूडेंट वीजा हो गया या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा हो गया, सबके लिए टीबी सर्टिफिकेट जरूर दिखाना होता है। तो इसके लिए भी आपको टीबी टेस्ट यहाँ पे करवाना पड़ेगा, वो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सेंटर्स है, कहां से आप करवा सकते हो। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जो कि है पुलिस रिकॉर्ड। तो पुलिस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, उसकी भी इन्होंने रिक्वायरमेंट दे रखी है कि आप कहां से ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो पुलिस सर्टिफिकेट। तो जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे टीबी सर्टिफिकेट है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए होगा, उसके साथ पुलिस रिपोर्ट सर्टिफिकेट। तो टीबी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। आप अगर इंडिया से आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे चाहिए होगा, आप लिस्टेड कंट्रीज भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपको कहां से करवाना है टीबी टेस्ट। इनके कुछ अप्रूव्ड सेंटर्स होते हैं, वहां से ही आपको करवाना है, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया सिलेक्ट करोगे तो सारे के सारे अप्रूव्ड सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जो भी कंट्री से बिलोंग, जो भी सिटी से बिलोंग करते हो वहां का सेंटर आप ढूंढ सकते हो। न्यू दिल्ली से करते हो तो न्यू दिल्ली में मैक्स मेड केयर है, यहां से आप करवा सकते हो। लाजपत
नगर के पास है। अगर आप कोलकाता से हो तो ये वाला सेंटर है, और चेन्नई से हो तो ये वाला सेंटर है। तो कहीं से भी हो आप इन वाले सेंटर पे जाके आप अपना टीबी सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हो, और ये अप्रूव्ड है, इन्हीं से ही लेना है और कहीं से ही नहीं लेना। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस रिपोर्ट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगेन आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ से लोकल पुलिस रिपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा। और ये कौन अप्लाई कर सकता है, आप ये पूरा पढ़ सकते हो। अगर आप इंडियन हो, रेजिडेंट ऑफ इंडियन हो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन हो, इंक्लूडिंग नॉन सिटीजन, इन सबके लिए ये सब चीजें चाहिए होती हैं। क्या कहाँ पे अप्लाई करना है आपको? डायरेक्टली टू एन इंडियन पुलिस सर्विस, लोकल पुलिस सर्विस में आपको अप्लाई करना है, या फिर लोकल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आप जाके ये सर्टिफिकेट जो है वो अपना ले सकते हो। व्हाट मस्ट द एप्लीकेशन एप्लीकेंट सप्लाई? कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, अवेलेबल एट द स्टेशन। जब आप स्टेशन पे जाओगे, पुलिस स्टेशन पे जाओगे, तो आपको ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं बहुत तरह के वीजा के लिए, तो आप वहां पर जाओगे, उनको बताओगे, तो ये एप्लीकेशन वहां से आप फिल कर सकते हो। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है अपना लेके जाना, अगर आप भूल गए तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या है इनका? देयर इज नो स्टैंडर्ड फीस फॉर एप्लीकेशन, क्योंकि वो डिपेंड करती है डिफरेंट स्टेट्स में। न्यू दिल्ली में 250 रुपीज है, अहमदाबाद में 10 रुपीज है, तो ये डिपेंड करता है आप कहां पर जा रहे हो। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है, तो ये आप करवा सकते हो वहां से। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो कि हो सकता है आपको प्रोवाइड करने पड़े, लेकिन जब भी आप एप्लीकेशन भरोगे उसके साथ में आपको ये वाले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए सिर्फ यही डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अगर उनको लगेगा कि आपसे और रिक्वायरमेंट है उनको डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको खुद UKVI आपको खुद ही ईमेल करेगा या खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे ये और डॉक्यूमेंट्स है जो कि उनको चाहिए आगे। एक बार आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया कि आपके पास इनविटेशन आ गया कि आपका यंग प्रोफेशनल स्कीम के बैले में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं सारे जो कि मैंने आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो ऑनलाइन ही करना है। इनकी वेबसाइट पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई आप तभी कर सकते हो जब आपके पास इन्विटेशन लेटर आएगा कि भाई आपका इन्विटेशन आपको इन्वाइट किया उन्होंने इस स्कीम के अंदर। अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली ऑनलाइन इस वाली वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे अप्लाई के सेक्शन में जाना है। किसी भी कंसल्टेंट की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी अप्लाई करने का प्रोसेस है इसका। gov.uk जो वेबसाइट है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है आपके पासपोर्ट पे डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ पासपोर्ट यू हैव। आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर जाना पड़ेगा या फिर आपको ऐप के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपने स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन सबमिट करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा आपको कैसे करना है। इंग्लैंड यहाँ से सिलेक्ट करोगे, बहुत ही इजी तरीका है, यहाँ से आप नो कर दोगे क्योंकि आप इंडिया से आ रहे हो। उसी के बाद यहाँ पे आपको कंट्री प्रोवाइड करनी है जो कि है इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि अगर आपने इस वाले सेंटर में देख लिया कि आपके नियरेस्ट कोई ना कोई वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, जैसे दिल्ली में VFS सेंटर है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे यस आई हैव आइडेंटिफाइड। उसी के बाद बिफोर यू स्टार्ट आप ये सारी गाइडेंस जो है वो सारी चीजें पढ़ सकते हो। इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये डिफरेंट यूथ मोबिलिटी का डिफरेंट रूट के लिए सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, बट डोंट वरी आपको नहीं चाहिए होगा ये। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन, रजिस्टर करना है आपको अपनी ईमेल एड्रेस, और उसके बाद एप्लीकेशन की डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, डिक्लेरेशन आपको पे करना है। यहाँ पर जो भी वीजा एप्लीकेशन फीस होती है या IHS फीस होती है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, और फिर फर्दर एक्शन जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं वो आपके पास ईमेल आ जाएगी, आपको कैसे आगे स्टेप्स करने हैं। तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका यहाँ से अप्लाई करने का, डोंट वरी, कोई भी कंसल्टेंट की आपको जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरीके से बेसिकली आपको अप्लाई करना है यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा के अंदर। जब भी आपका इन्विटेशन यहाँ पे आ जाएगा आप सीधा अप्लाई कर सकते हो वीजा के लिए, प्रोवाइडेड कि आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है इस वाले बैले में तो नेक्स्ट बैले के लिए आप तैयारी कर सकते हो। तो होपफुली आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कैसे अप्लाई करना है वीजा के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हो। और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।